या कहां पर लैग कर रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दीपांशु मदान स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपांशु, यहां पर आपसे भी चर्चा करना चाहेंगे, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी ने जो जो कुछ कहा, साफ तौर पर निराशा झलक रही थी कि टीम इंडिया ना सिर्फ ओपनिंग में बल्कि मिडल ऑर्डर भी फ्लॉप साबित हो रहा है और गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में जो कुछ हुआ हम सबके सामने है। आखिर अब टीम इंडिया को संभालने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या बड़े फेरबदल होने की गुंजाइश बनती है? देखिए लवी, पहले तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आना चाहूंगा जो महेंद्र सिंह धोनी ने दी है, उसके बाद अपने आप को बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से सेव करते हैं और जिस तरह की उनके बयान आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें ऐसे बल्लेबाजी करनी चाहिए, हमें वैसे करनी चाहिए, हमारी ओपनिंग साझेदारी अच्छी होनी चाहिए, मिडिल ऑर्डर में ऐसा करना चाहिए। आप बहानेबाजी से क्यों बच रहे हैं? आपने जो बुरा प्रदर्शन किया आप उससे क्यों बच रहे हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने इस मैच के बारे में कम बात की है कि हंपने फुटवर्क नहीं दिखाया, हम फ्लैशी थे आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हम मिडिल में कुछ नहीं कर सके, हमारे गेंदबाज फ्लॉप रहे, बल्कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं इससे जो पॉजिटिव्स आउट आए उसको लेते नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें कप्तानी अच्छी करनी होगी, मुझे बल्लेबाजी टीम के तौर पर अच्छी करनी होगी, मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों को अच्छा उनका रिस्पॉन्सिबल होना होगा। अरे होना होगा जब होना होगा, जो दो मैच हुए उसके बारे में बात कीजिए ना आप। जो पहले मैच में 24 रन से आपको हार का सामना करना पड़ा, दूसरे में आपकी 15 रन से हार हुई है, उसके बारे में आप विश्लेषण क्यों नहीं कर रहे हैं? आगे 2015 के बारे में सोच रहे हैं और वो तो आपका जो अड़ल रवैया है उस पर आप अड़े ही हुए हैं, क्योंकि दो स्पिनर्स के साथ आप ऐसे ट्रैक से उतर रहे हैं जो कि बिल्कुल नहीं स्पिन ट्रैक्स हैं, और वहां पर रविंद्र जडेजा का क्या काम है, वहां पर आर अश्विन का क्या काम है, और खासतौर से आप जब तीसरे स्पिनर की बात करते हैं जो कि बाहर बेंच वार्म करने के लिए लेके आए आप अमित मिश्रा, वहां पर उनका क्या काम है? आप वरुण आरन को क्यों नहीं मौका देते? ये तो तमाम सारी बातें हैं कि आप क्यों नहीं करते क्या, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ही डिप्लोमेटिक तरीके से अपने आपको सेव करते नजर आ रहे हैं। जी, अपने आप को सेव करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर धोनी। लेकिन दीपांशु, बड़ा सवाल ये कि बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को पेश कर लिया, लेकिन दिशाहीन यहाँ पर नजर आ रही है टीम इंडिया, क्योंकि जिस नजरिए के साथ टीम इंडिया उतरी है, दोनों मैचेस में लगातार हार हुई, बादशाहत भी छिन गई, लेकिन उसका कोई अफसोस यहां पर नजर नहीं आ रहा। और बात हो रही है 2015 के वर्ल्ड कप की, अगर इस तरह का प्रदर्शन रहा तो कैसे टीम इंडिया जो है वर्ल्ड कप की दावेदारी को पेश करेगी? क्या ये वही टीम इंडिया है जो बादशाहत नंबर एक टीम कही जाती थी, लेकिन अब बादशाहत भी थिन गई है और इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब टीम में बड़े फेरबदल होने चाहिए। क्या लगता है यहां पर कप्तान के ऊपर भी तलवार लटकी हुई? देखिए रवि, एक सांस में आपने बहुत सारे सवाल पूछ दिए, मैं एक एक करके आपके ऊपर आता। जो आपने पहली बात कही कि फेरबदल हो सकते हैं टीम में, जी हाँ बिल्कुल फेरबदल हो सकते हैं, और जैसे कि आपके रिपोर्ट ने एक सजेस्ट भी किया कि अब बड़े फेरबदल हो सकते हैं जिसमें जहीर खान का नाम सामने आ रहा है, चेतेश्वर पुजारा का नाम सामने आ रहा है, निश्चित तौर पर बड़े पहलू सामने तो आएंगे ही, पोल तो खुलकर रह गई है। और कहीं ना कहीं एक बिल्कुल अपसेटिंग सा लगता है कि आप न्यूजीलैंड की 8वें नंबर की टीम है जो कि जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से सिर्फ एक एक पॉइंट ही ऊपर है, आप उस टीम से आ रहे हैं, ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि कन्विंसिंगली आ रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया से हारे कोई बात नहीं, आप दक्षिण अफ्रीका से हारे कोई बात नहीं, आप न्यूजीलैंड से भी हारे कोई बात नहीं, मगर एक आप मार्जिन से आ रहे हैं, कन्विंसिंगली आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि आप उनके साथ कंपीट करने आए हैं। इट इज स्कूल बॉय स्टफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। आप न्यूजीलैंड में जाकर के बिल्कुल नतमस्तक हो चुके हैं ऐसा लग रहा है लवी। जी दीपांशु, अब ऐसे में टीम इंडिया को अगले आने वाली जो मैचेस हैं, आगे 3 मुकाबले और हैं और मनोबल बेहद गिरा हुआ है, बादशाहत चली गई है, पहला मुकाबला हार गए, दूसरा मुकाबला हार गए, गलतियां टीम इंडिया के सामने हैं। अब इन्हीं गलतियों से सबक लेकर आगे आने वाले मैचेस में कुछ सुधार करना होगा। क्या लगता है कि टीम इंडिया एक बार फिर से वापस जीत के ट्रैक पर लौट सकती है? लौट तो बिल्कुल सकती है, जिस तरह के खिलाड़ी हैं इनकी टीम में प्रदर्शन कर सकते हैं, आउट ऑफ द बुक्स प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि यहां पर न्यूजीलैंड में ट्रैक में आप सेटल नहीं हुए हो, आपकी नर्व्स अभी तक सेटल नहीं हुई हैं, आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो है आपके पास मगर आप बिल्कुल देख रहे हैं ड्रिफ्ट करती हुई गेंदों को भी शॉट्स मारने के लिए जा रहे हैं, आपको पहले सेटल होना होगा उसके बाद शॉट्स खेल सकते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि आप बाउंसी विकेट्स पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, यूज्ड नहीं हो पा रहे हैं, एक्लिमेटाइज नहीं हो पा रहे हैं। शिखर धवन आड़ी तिरछा शॉट्स लगा रहे हैं, बाउंसर्स को हिट कर रहे हैं, आगे कल हमने देखा कि ओवर एग्रेसिव हो रहे थे और स्टेप डाउन द ट्रैक कर रहे थे टिम साउदी को, जो कि 140 के रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। सो बेसिक कमियां हैं, अगर ये 2-4 कमियों को पूरा कर लें तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इंडिया दे कैन डू वंडर्स। उनको पता है कि वो बादशाहत उनकी रही है और विश्वविख्यात टीम रही है वो। जी दीपांशु, लेकिन एक चीज का जिक्र यहां पर वाकई करना होगा, वो है विराट कोहली, जिनका प्रदर्शन वाकई चौंकाने वाला है। टीम इंडिया को, सभी खिलाड़ियों को उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इस तरह की कंडीशंस में किस तरीके से इस खिलाड़ी ने खुद को ढाला और जबरदस्त प्रेशर के अंदर भी परफॉर्म करके दिखाया। वन एक्सेप्शनल प्लेयर एज फार एज द इंडियन बैटिंग टीम इज कंसर्न, बिकॉज जो उन्होंने सैकड़े जड़े हैं, 18 सैकड़े हो चुके हैं उनके,
मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने विश्व क्रिकेट में इससे पहले ऐसा बल्लेबाज देखा हो जो कि मानचित्र पर इतना प्रभाव छोड़ दिया हो. नो मैटर हाउ द कंडीशंस इज, नो मैटर आपके पास दूसरी गेंदबाजी लाइन कैसी है, ध्वस्त करते हुए पूरे बल्लेबाजी करते हैं और जो शैली में करते हैं वो भी काबिले तारीफ. दोनों ही मैचों में उन्होंने बेहतर रन बनाए और अगर उनको कहा जाए कि फालतू ज्यादा डिपेंड थी उनके पास टीम, अन्यथा भारत को जीत निश्चित तौर पर मिलती है और उनका बिल्कुल क्रेडिट देना होगा. जी बिल्कुल, क्रेडिट के हकदार हैं यहाँ पर विराट कोहली और टीम इंडिया को. सभी खिलाड़ियों को एकजुट होकर खेलना पड़ेगा, एक नई रणनीति के साथ उतरना होगा खेल के मैदान पर अपनी गलतियों से सबक लेते हुए, ताकि आने वाले मैचेस में टीम इंडिया एक बार फिर से जीत के ट्रैक पर वापस लौट सके. और इसी उम्मीद के साथ अब आपसे विदा लेने का समय आ गया. खेल खिलाड़ी खबर के आज के सफर में फिलहाल इतना ही. दीपांशु आपका भी बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको स्पोर्ट्स टॉप 10 के साथ. खेल खिलाड़ी खबर की शुरुआत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको. टीम इंडिया में होंगे कई सारे बदलाव, कई सारे फेरबदल. बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि बचे हुए 3 मैचेस के लिए होंगे टीम इंडिया में बदलाव. इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं खेल खिलाड़ी और खबर की शुरुआत. सवालों के निशाने पर है सिलेक्शन कमेटी, तो कैप्टन पर लटक सकती है तलवार. इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहीर पुजारा के नाम पर भी होगी चर्चा. तो तीसरे वनडे टीम में हो सकते हैं बड़े फेरबदल. इससे पहले दादा सौरभ गांगुली ने भी सिलेक्शन को लेकर कई सवाल खड़े किए थे और उन्होंने कहा था कि चेतेश्वर पुजारा. तो लगातार 2 हार टीम इंडिया की बादशाहत छिन गई. बीसीसीआई की हार की समीक्षा, टीम इंडिया में होंगे कई फेरबदल. तो सीरीज के बचे हुए 3 मैचों के लिए होंगे ये बदलाव. फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर. तो सीधे हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रवि चतुर्वेदी जी, जाने माने कमेंटेटर, हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं. रवि जी स्वागत है आपका जिया न्यूज पर. आपसे जानना चाहेंगे यहां पर बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की के सूत्रों के हवाले से. खबर आ रही है टीम इंडिया में लगातार 2 हार के बाद जहां बादशाह छिन गई, अब फेरबदल की बात सामने आ रही है. क्या लगता है क्या फेरबदल होने चाहिए? हार बादशाह छिन जाती है टीम इंडिया की. देखिए इसमें बिल्कुल जरूरी है और लाजमी है, क्या कहते हैं, इस वक्त टीम में फेरबदल आना चाहिए क्योंकि टीम में किसी आत्मविश्वास की पूरी तरह कमी है और किसी तरह का भी उनका जो उनकी जो रणनीति पड़ रही है, मुझे तो ये लग रहा है कि वो दिशाहीन है. बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहे हैं. देखिए बिल्कुल सीधा सा आप एक आंकलन करिए, कहां भारत आ रहा. देखिए पिछले मैच को अगर 2 मैचों को आप देखें और खासकर हैमिल्टन के मैच को, न्यूजीलैंड के जो सलामी बल्लेबाज और उसके बाद 2 हैं वो मुख्य स्कोरर हैं. जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता उसके बाद एक धुआंधार बल्लेबाजी अंतिम में चाहिए, जो कि कल एंडरसन से देखने को मिली. 17 न्यूजीलैंड के लिए एक अच्छे स्कोर का 3 विकेट था और इसलिए भारत के लिए चुनौती थी. लेकिन भारत तो पहला इस मैच में वापसी तो उनके लिए बहुत जरूरी थी. और उस समय देखिए आपका ऊपर का क्रम आप देखिए, आपके दोनों ओपनर फिर हो गए. उसके बाद एक और बात जरूर एक अच्छा प्रदर्शन रहा है बैटिंग में हमारे विराट कोहली का. लेकिन अगर आप अन्य अगर वो 20-30 रन बना रहे हैं तो उन्हें उनसे एक उम्मीद है जब आप ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हो कि आप एक लंबी पारी खेलोगे और वो फिनिशिंग लाइन तक जाने की. लेकिन वहां पे भी देखिए रहाणे आउट हो गए 35 रन बना के. इसी प्रकार देखिए एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही थी सुरेश और उनसे उम्मीद थी, उन्होंने भी 35 रन बना लिए. लेकिन उसके बाद पारी को उन्हें और आगे बढ़ाना चाहिए था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. देखिए जो चीज न्यूजीलैंड के भारतीय बैट्समैन उस कसौटी पर खड़े नहीं उतर रहे थे, इसी वजह से भारत को हार का सामना. और इसलिए जो सवाल आज उठा है और आप भी उठा रहे हैं सही तरीके से मैं समझता हूँ, वो ये है कि टीम में बहुत फेरबदल होना चाहिए. बल्कि फेरबदल नहीं, काट-छाट एक पूरी तरह से होनी चाहिए ताकि ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कुछ सोचने का मौका मिले और वो एक नए तरीके से भारतीय टीम की शुरुआत कर सके. जी रवि जी, ऐसे में बड़ा सवाल ये, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बड़ा उलटफेर बड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, गाज कप्तान पर भी गिर सकती है. लेकिन यहाँ पर सबसे इस वक्त चर्चा की बात यह है कि ओपनिंग जोड़ी जो है वो फ्लॉप हो रही है. चेतेश्वर
जगह दी जा सकती है। और इसके अलावा गेंदबाजी में जिनकी जमकर क्लास लगाई कल न्यूजीलैंड की टीम ने, उसमें भी जहीर खान का नाम सामने आ रहा है, किया जा सकता है। सौरभ गांगुली ने इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों की जो है सिफारिश की थी, क्या लगता है इन दोनों के शामिल होने से टीम में जो है और ज्यादा मजबूती आएगी? देखिए, गांगुली ने जो बात उठाई है वो अगर आप लोग याद करें तो जिया न्यूज के चैनल ने भी ये दोनों बातें पहले से उठा रखी हैं कि इससे भारतीय टीम को और ज्यादा दृढ़ता मिलेगी। देखिए, अगर आज हम लोग आंकलन करें, जबकि हमारे ओपनर फेल हो रहे हैं, तो सिर्फ चितेश्वर पुजारा और जहीर से ही आप चलने वाला है। मैं समझता हूं एक मौका दीजिए आप गौतम गंभीर को, उनको क्या कहते हैं, वो एक नामी खिलाड़ी रहे, थोड़ा आत्मविश्वास उनका पीछे कम हो गया था, इसलिए उन्होंने, लेकिन प्रकार से घरेलू क्रिकेट में लगातार वो अच्छा स्कोर अर्जित करते रहे, इसके आधार पे उन्हें एक मौका दीजिए। और मैं समझता हूं अगर वो थोड़ा बहुत अच्छा खेल सकते हैं तो भारत उसमें दृढ़ता प्रदान कर सकेंगे। तो दूसरा, चितेश्वर पुजारा, जैसा मैंने पहले भी कहा और हमारे आपके बीच में जो कुछ भी बातचीत हुई उसमें तुमने खास निकाली कि ये चितेश्वर पुजारा के खिलाफ क्या चीज है, आप क्यों नहीं उन्हें खिला रहे हैं? वो बहुत ही पराक्रमी खिलाड़ी हैं, उनके पास हर तरह की कला है। वो देखिए, ये मत भूलिए, आप आंकलन करिए किस प्रकार से राहुल द्रविड़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, एक दिवसीय क्रिकेट में आए, उनके बारे में भी यही कहा जाता था जो चितेश्वर पुजारा के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन जब वो आए तो वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। आज रोहित शर्मा और शिखर धवन जो नहीं कर पा रहे हैं वो स्ट्राइक नहीं रोटेट कर पा रहे हैं, शुरू के ओवरों ऊपर प्रेशर बन रहा है, न्यूजीलैंड की टीम हावी हो जाती है आपके ऊपर, तो ये चितेश्वर पुजारा कर सकते हैं। और मैं समझता हूं उन्हें सब प्रकार की, तो जब आपके ऊपरी क्रम के और खासकर आपके सलामी बल्लेबाज आपको अगर एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं और उसके बाद नीचे के बैट्समैन स्कोर करते हैं, तो मैं समझता टीम एक अच्छा सुदृढ़ स्कोर बना पाएगी, जो अपने आप में एक चुनौती होगा। जी जी रवि जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट रवि चतुर्वेदी जी, जो बता रहे थे कि फिलहाल टीम इंडिया में बड़े फेरबदल होने चाहिए यहां पर, और टीम इंडिया को जिम्मेदारी से यहां पर खेलना चाहिए, कप्तान को भूमिका निभानी चाहिए। ओपनिंग जोड़ी में एक जो स्लॉट है वहां पर गौतम गंभीर की जगह बनती है, अगर उन्हें यहां पर मौका दिया जा सकता है तो वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने तजुर्बे से टीम इंडिया को उभार सकते हैं। इसके अलावा चितेश्वर पुजारा भी अच्छा कर सकते हैं, वहीं गेंदबाजी को भी मौका मिलना चाहिए और वो भी टीम इंडिया के लिए अच्छी गेंदबाजी डाल सकते हैं। यहां पर तो धोनी के चार यार जो हैं हार के कसूरवार, जी हां, हम बात कर रहे हैं रैना, जडेजा, अश्विन और ईशांत शर्मा की। और यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि जिस तरह से इन चार खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है वही टीम इंडिया की हार के सबसे बड़े चौकड़ी के प्रदर्शन को दिखाते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं सुरेश रैना ने पिछले एक साल में कैसा प्रदर्शन किया है। रैना की बात कर लें तो 36 मैचेस में उन्होंने 823 रन बनाए, उनका सर्वाधिक बेस्ट प्रदर्शन 79 रन और औसत से ऊपर का रहा। तो हार की, पहली हार के जो जिम्मेदार हैं वो यहां पर रहना, जो महेंद्र सिंह धोनी के काफी नजदीकी माने जाते हैं और उन्हें लगातार टीम में मौका दिया जाता रहा है लेकिन अपने आप को साबित नहीं कर पाए। रैना ने पिछले एक साल में किन किन टीमों के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार मुकाबले खेले आए और 36 उनका बेस्ट रहा, औसत केवल 19 से जरा सा ऊपर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने 6 खेले और केवल 100 रन, 39 उनका बेस्ट। तो सुरेश रैना का विभिन्न टीमों के खिलाफ ये प्रदर्शन है, आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं के खिलाफ उनका कैसा प्रदर्शन रहा, बेहद औसत प्रदर्शन रहा, अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। तो इंग्लैंड में 5 मुकाबले खेले, 11 रन बनाए, उनका बेस्ट 9 रहा, 8.5 की उनकी औसत। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 मुकाबलों में 111 रन, 44 उनका बेस्ट और 22 के आसपास उनका औसत। तो इंग्लैंड में भी उनका निराशाजनक प्रदर्शन रहा और फिलहाल मौजूदा सीरीज की बात करें तो अब तक 2 मुकाबलों में उन्होंने निराश ही किया है।
तो पिछले 10 मुकाबलों के प्रदर्शन कैसे रहे रैना के, उसके बारे में भी चर्चा कर ले, तो उनका जो केवल 204 रन बनाए हैं उन्होंने और उनका बेस्ट 36 रहा और औसत 22 से ऊपर का। तो पिछले 10 मुकाबलों में जो प्रदर्शन है रैना निराश किया है और फिलहाल उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी होगी टीम इंडिया को अगर एक बार फिर से इस सीरीज में वापसी करनी है। तो सुरेश रैना की बात हमने कर ली, यहां पर सुरेश रैना एकदम औसत प्रदर्शन कर रहे हैं फिलहाल, औसत से नीचे हैं। और अब बात करते हैं आर अश्विन की, तो पिछले 5 मैचेस में उनका कैसा प्रदर्शन रहा, केवल 1 विकेट, उनका बेस्ट 1 विकेट 48 रन देकर। तो पिछले 5 मैचेस के प्रदर्शन की बात हो रही है और 271 का औसत, यहां पर 1 विकेट चटका 5 मुकाबलों में आर अश्विन। विदेशी पिचेस हैं बिल्कुल जायज है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन उनसे उम्मीद की जाती है बिल्कुल भी वैसा नहीं है और उनकी टीम में फिलहाल जगह बनती है नहीं, इस पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। धोनी के करीबी हैं, उनके काफी क्लोज माने जाते हैं और उन्हें मौका, तो इनकी औसत देखनी चाहिए फिलहाल 271 औसत, और टीम इंडिया के सबसे अच्छे स्पिनर माने जाते हैं और जब से आए हैं तो 5 मैचों में केवल 1 विकेट, बेहद शर्मनाक यहां पर प्रदर्शन, और कैसे टीम में उन्हें मौका मिल रहा है बड़ा सवाल। तो पिछले 5 मैचेस में केवल 1 विकेट। और अब बात ईशांत शर्मा की, ईशांत शर्मा ने पिछले 5 मैचेस में केवल 7 विकेट लिए हैं, उनका बेस्ट 4 विकेट 40 रन देकर, औसत 37 का। तो नेपियर वनडे में जमकर रन लुटाए और हार का ठीकरा भी ईशांत शर्मा के ऊपर फोड़ा गया। आपको बता दें बेहद शर्मनाक प्रदर्शन यहां पर तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को भी, जमकर रन लुटा रहे हैं और विकेट नहीं। पार्थ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की कर लें, उनके 5 मैचों में किस तरह का प्रदर्शन रहा, उनका बेस्ट रहा 29 रन और 67 रन बनाए हैं पिछले 5 मुकाबलों में। ऑलराउंडर हैं टीम इंडिया के और औसत 7.5, तो बेहद निराशाजनक प्रदर्शन इस ऑलराउंडर खिलाड़ी का, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी टीम इंडिया को कि विदेशी सरजमीन टीम इंडिया के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो अब उनकी गेंदबाजी की बात करते हैं, पहले बल्लेबाजी की बात करी थी, तो गेंदबाजी में भी केवल बेस्ट है 1 विकेट 46 रन देकर, औसत 82 का। तो बेहद शर्मनाक प्रदर्शन, ना गेंद से कुछ कर पाए टीम इंडिया के लिए, ना ही बल्ले से कुछ कर पाए। तो सबसे ज्यादा उम्मीदें थी इन सभी खिलाड़ियों से और इन सभी खिलाड़ियों ने यहां पर निराश किया टीम इंडिया। तो आपको बता दें फिलहाल 4 खिलाड़ियों की बात यहां पर कर रहे हैं जो मैचेस के मुजरिम बनते आ रहे हैं इस सीरीज और इससे पिछले भी। हार का जो जिम्मा है इन्हें खिलाड़ियों के ऊपर जाता है, क्योंकि टीम इंडिया में इन्हें लगातार चांसेस मिल रहे हैं और इनके पिछले जो प्रदर्शन है उसका आंकड़े आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बेहद निराशाजनक आंकड़े इन सभी खिलाड़ियों के। तो देखा आपने धोनी की दोस्ती, मोहब्बत या प्यार ने कैसे किया टीम इंडिया का बेड़ा गर्क। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद भी टीम इंडिया की हार के पर पोस्टमार्टम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए खेल खिलाड़ी और खबर। कैसा होगा आपका दिन, क्या होगा कल का हाल, क्या कहते हैं जिंदगी की परेशानियों का जवाब बताऊंगी। फोन करें 0120-4800-1 4800-802-4800-803। किस्मत कनेक्शन से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ जिया न्यूज पर। दौरान 2013 की विदाई के लिए
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप इंडिया न्यूज पर खेल खिलाड़ी और खबर, बात हो रही है टीम इंडिया की हार की, हार का पोस्टमार्टम कर रहे हैं यहां पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं टीम के कैप्टन कूल माही ने मैच के बाद क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम, यू नो वी गॉट ऑफ टू अ पीस इन टर्म्स ऑफ नॉट लूजिंग विकेट, बट आई थिंक यू नो इफ यू आर स्कोरिंग, इफ यू आर सपोज टू स्कोर क्लोज टू 290 और रन्स व्हेन यू आर चेजिंग एंड द फर्स्ट close to 30 odd runs and 38 odd runs and 2 wickets down, becomes quite difficult for the middle order. I thought, you know, once we got off to a start, the openers, they should have carried on for a bit longer so that, you know, they could have played a few more shots, got a bit more runs and taken a bit of pressure off from the middle. Unless it's a very seamer friendly wicket, you know, more often than not we have gone for runs, as has been the case with most of the other teams. So I don't know if really the case, but I think it's important that we bat slightly well. I think the batters, they are getting some kind of a start, but we are not able to starts into 50s and 75s or big partnership, and I feel it's very crucial, you know, outside when we are playing, once you get off to a good start, it's very important to make a big part. What the some of the batters are going through is a phase where, you know, first when you come and play a few games, you know, you just play a natural game, and then all of a sudden you have to carry on, and you know that actually puts a bit of pressure on them. But I think with more and more games, they'll realize, you know, themselves as to what their game is. They'll back themselves to play that game, and with more and more game, you know, slowly they'll change themselves and improve for better performance. So I think that's also a reason, you know, we are going through as to, you know, what their benchmark should be. But it's very important that we enjoy cricket and, you know, play free-flowing cricket, because most of the batsmen, you know, flowing batsmen, and you know, if it's there, they should play the shot. Doesn't matter if it's the first ball or the last. तो सुना आपने टीम इंडिया के कप्तान को क्या कुछ दलीलें उन्होंने पेश की इस मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिर टीम इंडिया कहां पर लैग कर रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दीपांशु मदान स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपांशु, यहां पर आपसे भी चर्चा करना चाहेंगे, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी ने जो जो कुछ कहा, साफ तौर पर निराशा झलक रही थी। टीम इंडिया ना सिर्फ ओपनिंग में बल्कि मिडल ऑर्डर भी फ्लॉप साबित हो रहा है, और गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में जो कुछ हुआ हम सबके सामने है। आखिर अब टीम इंडिया को संभालने के लिए करना पड़ेगा क्या, बड़े फेरबदल होने की गुंजाइश बनती है? देखिए लवी, पहले तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आना चाहूंगा जो महेंद्र सिंह धोनी ने दी है, उसके बाद अपने आपको बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से सेव कर इस तरह की उनके बयान आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें ऐसे बल्लेबाजी करनी चाहिए, हमें वैसे करनी चाहिए, हमारी ओपनिंग साझेदारी अच्छी होनी चाहिए, मिडल ऑर्डर में ऐसा करना चाहिए। आप क्यों बच रहे हैं? आपने जो बुरा प्रदर्शन किया, आप उससे क्यों बच रहे हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने इस मैच के बारे में कम बात की है कि हमने फुटवर्क नहीं दिखाया, हम प्लेसी थे आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हम मिडल में कुछ नहीं, हमारे गेंदबाज फ्लॉप रहे, बल्कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं इससे जो पॉजिटिव्स आउट आए उसको लेते नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें कप्तानी अच्छी करनी होगी, मुझे बल्लेबाजी टीम करनी होगी, मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों को अच्छा उनका रिस्पॉन्सिबल होना होगा। अरे होना होगा जब होना होगा, जो दो मैच हुए हैं उसके बारे में बात कीजिए ना आप। जो पहले मैच में 24 रन से आपको हार करना पड़ा, दूसरे में आपकी 15 रन से हार हुई है, उसके बारे में आप विश्लेषण क्यों नहीं कर रहे हैं? आगे 2015 के बारे में सोच रहे हैं, और वो तो आपका जो अड़ल रवैया है उस पर आप अड़े ही हुए हैं, क्योंकि दो ऐसे ट्रैक से उतर रहे हैं जो कि बिल्कुल नई स्पिन ट्रैक्स हैं, और वहां पर रविंद्र जडेजा का क्या काम है, वहां पर आर अश्विन का क्या काम है, और खासतौर से आप जब तीसरे स्पिनर की बात करते हैं जो कि परफॉर्म करने के लिए लेके आए आप अमित मिश्रा, वहां पर उनका क्या काम है? आप वरुण आरन को क्यों नहीं मौका देते? ये तो तमाम सारी बातें हैं कि आप क्यों नहीं करते क्या, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ही डिप्लोमेटिक करते नजर आ रहे हैं। जी, अपने आप को सेव करते नजर आ रहे हैं यहां पर धोनी। लेकिन दीपांशु, बड़ा सवाल ये कि बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को रही है टीम इंडिया, क्योंकि जिस नजरिए के साथ टीम इंडिया उतरी है, दोनों मैचेस में लगातार हार हुई, बादशाहत भी छिन गई, लेकिन उसका उस यहां पर नजर नहीं आ रहा। और बात हो रही है 2015 के वर्ल्ड कप की, अगर इस तरह का प्रदर्शन रहा तो कैसे टीम इंडिया जो है वर्ल्ड कप की दावेदारी को पेश करेगी? क्या ये वही टीम इंडिया नंबर एक टीम कही जाती थी, लेकिन अब बादशाहत भी थिन गई है, और इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब टीम में बड़े फेरबदल होने चाहिए। क्या लगता है यहां पर कप्तान के ऊपर भी तलवार लटकी हुई? देखिए रवि, एक सांस में आपने बहुत सारे सवाल पूछ दिए, मैं एक एक करके आपके ऊपर आता। जो आपने पहली बात कही कि फेरबदल हो सकते हैं टीम में, जी हां बिल्कुल फेरबदल हो सकते हैं, और जैसे कि आप
कोर्ट ने एक सजेस्ट भी किया कि अब बड़े फेरबदल हो सकते हैं जिसमें जहीर खान का नाम सामने आ रहा है, चेतेश्वर पुजारा का नाम सामने आ रहा है। निश्चित तौर पर बड़े पहलू सामने तो आएंगे, पोल तो खुलकर रह गई है। और एक बिल्कुल अपसेटिंग सा लगता है कि आप न्यूजीलैंड की 8वें नंबर की टीम है जो कि जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से सिर्फ एक एक पॉइंट ही ऊपर है, आप उस टीम से आ रहे हैं, ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि कन्विंस आ रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया से हारे कोई बात नहीं, आप दक्षिण अफ्रीका से हारे कोई बात नहीं, आप न्यूजीलैंड से भी हारे कोई बात नहीं, मगर एक आप मार्जिन से आ रहे हैं, कन्विंसिंगली आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि आप उनके साथ कंपीट कर रहे हैं। कूल बॉय स्टफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। आप न्यूजीलैंड में जाकर के बिल्कुल नतमस्तक हो चुके हैं ऐसा लग रहा है अभी। जी दीपांशु, अब ऐसे में टीम अगले आने वाली जो मैचेस हैं, आगे 3 मुकाबले और हैं और मनोबल बेहद गिरा हुआ है, बादशाहत चली गई है। पहला मुकाबला हार गए, दूसरा मुकाबला हार गए, गलती सामने है। अब इन्हीं गलतियों से सबक लेकर आगे आने वाले मैचेस में कुछ सुधार करना होगा। क्या लगता है कि टीम इंडिया एक बार फिर से वापस जीत के ट्रैक पर लौट सकती है? सकते हैं, जिस तरह के खिलाड़ी हैं इनकी टीम में प्रदर्शन कर सकते हैं, आउट ऑफ द बुक्स प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि यहां पर न्यूजीलैंड में ट्रैक में आप सेटल नहीं हुए हो, आपकी नर्व्स अभी तक सेटल नहीं हुई हैं, आप कोऑर्डिनेशन तो है आपके पास मगर आप बिल्कुल देख रहे हैं ड्रिफ्ट करती हुई गेंदों को भी शॉट्स मारने के लिए जा रहे हैं। आपको पहले सेटल होना होगा, उसके बाद शॉट्स खेल सकते हैं, या फिर यूं कि आप बाउंसी विकेट्स पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, यूज्ड नहीं हो पा रहे हैं, एक्लिमेटाइज नहीं हो पा रहे। शिखर धवन आड़ी तिरछा शॉट्स लगा रहे हैं, बाउंसर्स को हिट कर रहे हैं, आगे कल हमने देखा कि ओवर एग्रेसिव और स्टेप डाउन द ट्रैक कर रहे थे टिम साउदी को जो कि 140 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। सो बेसिक कमियां हैं, अगर ये 2-4 कमियों को पूरा कर लें तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इंडिया देख, उनको पता है कि वो बादशाहत उनकी रही है और विश्वविख्यात टीम रही है वो। जी दीपांशु, लेकिन एक चीज का जिक्र यहां पर वाकई करना होगा, वो है विराट कोहली, जिन वाकई चौंकाने वाला है। टीम इंडिया को, सभी खिलाड़ियों को उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इस तरह की कंडीशंस में किस तरीके से इस खिलाड़ी ने खुद को ढाला और जबरदस्त प्रेशर के अंदर भी करके दिखाया। वन एक्सेप्शनल प्लेयर एज फार एज द इंडियन बैटिंग टीम इज कंसर्न, बिकॉज जो उन्होंने सैकड़े जड़े हैं, 18 सैकड़े हो चुके हैं उनके, मुझे तो याद नहीं आता कि पहले ऐसा बल्लेबाज देखा हो जो कि मानचित्र पर इतना प्रभाव छोड़ दिया हो। नो मैटर हाउ द कंडीशन इज, नो मैटर आपके पास दूसरी गेंदबाजी लाइन कैसी है, ध्वस्त गेंदबाजी करते हैं और जो शैली में करते हैं वो भी काबिले तारीफ। दोनों ही मैचों में उन्होंने बेहतर रन बनाए और अगर उनको कहा जाए कि फालतू ज्यादा डिपेंड थी उनके पास टीम, अन्यथा भारत को जीत निश्चित और उनका बिल्कुल क्रेडिट देना होगा। बिल्कुल क्रेडिट के हकदार हैं यहां पर विराट कोहली और टीम इंडिया को, सभी खिलाड़ियों को एकजुट होकर खेलना पड़ेगा एक नई रणनीति के साथ होगा खेल के मैदान पर, अपनी गलतियों से सबक लेते हुए, ताकि आने वाले मैचेस में टीम इंडिया एक बार फिर से जीत के ट्रैक पर वापस लौट सके। और इसी उम्मीद के साथ अब आपसे समय आ गया खेल खिलाड़ी खबर के आज के सफर में, फिलहाल इतना ही। दीपांशु आपका भी बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको स्पोर्ट्स टॉप 10 के साथ। पार्क में हुए दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंडिया को डकवर्थ लुइस नियम के सहारे पराजित किया। वर्षा बाधित 42-42 ओवर के मैच में न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 271 रन बनाए थे। नियम के अंतर्गत इंडिया को 42 ओवरों में 297 रन का लक्ष्य मिला। इंडियन पारी गेंदें शेष थी तभी दोबारा बारिश ने मैच में बाधा डाली। इंडिया के जीतने के आसार बहुत कम देखते हुए अंपायरों ने न्यूजीलैंड को 15 रन से विजेता घोषित की। हार के साथ ही इंडिया ने ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 टीम की गद्दी गवा दी है। अब वनडे रैंकिंग में नंबर 1 के पायदान पर ऑस्ट्रेलिया आ गया है। इंडिया जनवरी 2013 में नंबर 1 की रैंकिंग पर आया था। लगभग एक साल इस कुर्सी पर राज करने के बाद उसकी बादशाहत छिनी है। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार को न्यूजीलैंड के हाथों दूसरे वनडे में 15 रन की हार के बाद अपने सलामी बल्लेबाजों शिखर धवन और रोहित शर्मा को लेने को कहा है। धोनी ने कहा, जब हमारे सलामी बल्लेबाजों की बात आती है तो वो पहले 10 ओवर खेल लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अहम है कि वो 10-25 ओवर के बाद हम तेजी से रन बना सके, लेकिन हमेशा सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं होता। भारत के महान स्पिनर रहे बिशन सिंह बेदी ने टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और टीम के कुछ सदस्यों को निशाने पर लिया है। उन्होंने ताकत और पावर पर सवाल उठाया है। बेदी ने भारत के सफलतम कप्तानों में से एक धोनी की आलोचना करते हुए कहा कि उनके सिर पर BCCI का हाथ है और जितनी ताकत गई
इसके अलावा बेदी ने धोनी और बोर्ड के करीबी माने जाने वाले सुरेश रैना की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अब फॉर्म ना करने वाले रैना को जहां ए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वहीं पुजारा जैसे खिलाड़ी को बी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट मिला है। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में अपनी टीम की 15 रन से मिली जीत के बाद कहा कि उनकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। मैकुलम ने मैच के बाद कहा कि मेरा मानना है कि भारत की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के सामने हमने दबाव में महत्वपूर्ण पर अच्छा प्रदर्शन किया। ये आत्मविश्वास के लिहाज से बहुत बड़ी जीत है। हमें अगले कुछ दिनों में यही प्रदर्शन जारी रखना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के लिए नया मुख्य कोच, बैटिंग और फील्डिंग कोच चुनने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति, जिसमें टीम के 2 पूर्व कप्तान जावेद मियादाद और वसीम अकरम शामिल हैं। एशिया कप और विश्व 2020 कप को देखते हुए पीसीबी ने कोच चुनने की समिति मियादाद, पूर्व कप्तान इंतिखाब आलम और मुख्य परिचालन अधिकारी सुभान अहमद शामिल हैं। हॉकी इंडिया लीग के लिए इनामी राशि तय कर दी गई है। शनिवार को शुरू हो रहे हॉकी इंडिया लीग के दूसरे टूर्नामेंट, प्रथम विजेता को 2.5 करोड़, उप विजेता को 1.25 करोड़ और तीसरे नंबर की टीम को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। टूर्नामेंट के आयोजकों ने राशि की घोषणा मंगलवार को की। हीरो हॉकी इंडिया लीग का पहला मैच जेपी पंजाब वॉरियर्स और दिल्ली वेव राइडर्स के बीच मोहाली के नए हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। जनवरी को शुरू होने वाली हॉकी लीग मैच का फाइनल मैच 23 फरवरी को होगा। पीपीटी एकेडमी में हो रहे सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का कहना है कि उन्हें एक अच्छी जीत की जरूरत है, जिससे उनकी सुधार आ सके। यहां टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर वो फॉर्म में वापस आना चाहती हैं। भारत की उभरती बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का कहना है कि सैयद मोदी टूर्नामेंट में इस बार वे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगी। बीते साल वे रनर अप थी। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनका प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा। सिंधु बीबीडी एकेडमी में सोमवार से शुरू हुए 1,20,000 रुपए इनामी राशि के सैयद मोदी टूर्नामेंट में इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लिया। भारत के लिएंडर पेस और उनके चेक जोड़ीदार रोडेक स्टेपनेक मेलबर्न पार्क में आयोजित फाइनल मुकाबले में बुधवार को माइकल लॉड्रा और निकोलस माहूद की जोड़ी से सीधे सेटों में हारकर पुरुषों की युगल स्पर्धा से बाहर हो गए हैं। पेस स्टेपनेक 5वीं वरीय जोड़ी फ्रांस की 13वीं वरीय जोड़ी से 2-6, 6-7 से हार गयी। स्विट्जरलैंड के शीर्ष टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बुधवार को इंग्लैंड के शीर्ष टेनिस वरीयता प्राप्त फेडरर ने 4थी वरीयता प्राप्त मरे को मात देकर लगातार 4थी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज खबरें लेकर। मैं हूं आपके साथ नीलम और जारी है जिया एक्सप्रेस। वर्ष 2014 के मद्देनजर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में विजय शंखनाथ रैली में कर चुके। बीजेपी ने यूपी के पूर्वी ध्यान में रखते हुए यह रैली गोरखपुर में आयोजित की है। यूपी के सिलसिले में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जहां से बीजेपी के मात्र 3 सांसद हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में ये सीट साबित होगी। वहीं बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक बढ़ाने और मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए एक नया दांव खेला है। बीजेपी ने रैली में मुसलमानों को भी शामिल होने का निमंत्रण भेजा।
बीजेपी की इस रणनीति को समाज के हर वर्ग को रिझाने की कोशिश के तहत देखा जा रहा है। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव आज वाराणसी में देश बचाओ और देश बनाओ रैली को संबोधित करेंगे। मुलायम सिंह यादव की इस रैली के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। रैली वाराणसी के रामनगर बाबरी बीघा मैदान में आयोजित होगी। रैली की तैयारियों का जायजा सुरक्षा बलों समेत बम निरोधक दस्ते ने भी लिया है। प्रशासन ने रैली में बिना चेकिंग किसी व्यक्ति को एंट्री नहीं देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रैली में वाराणसी समेत आसपास के कई जिलों से करीब 10 से 15 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। मंच